लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसा का काम है तेरा? बोल काम। हाँ बताओ भैया। हाँ बताओ भैया, नहीं तो रोज ऐसी मार पड़ेगी तेरी तो। मैं भैया खबरदार, जो इका हाथ लगाया तू काम का करत है, बता। हाँ हाँ बताओ भैया। मैं वो, हाँ मैं टेढ़ी उंगली से घी निकालता हूँ। का टेढ़ी उंगली से घी? सीधी उंगली से काहे नहीं निकालते? हाँ हाँ सीधी उंगली से काहे नहीं निकालते, काम भी जल्दी हो जाएगा और घर भी जल्दी आ जाओगे। अरे सीधी उंगली से घी निकलता है क्या, निकाल के दिखा। तभी वीरू भैया को इतनी देर हो जाती है। अकबर भैया आपने बेकार में वीरू भैया को पीट डाला। अकबर भैया देखा कैसा पाला बदल रहा है? अरे हुसैन ये का है? कैडबरी। देखा कितना रिश्वतखोर है, कोई इसे जरा सी चीज में भी पटा ले। अच्छा मैं तो तेरे लिए भी एक सोने की चेन लाया था, लेकिन अब रहने दे। अरे वीरू भैया, अकबर भैया ये आपने अच्छा नहीं किया, वीरू भैया को खुद भी पीटा और हमसे भी पिटवाया। अरे जितनी जल्दी तूने पाला बदला है उतनी जल्दी कोई नेता पार्टी नहीं बदलता। अरे वीरू इन दोनों ने तेरे खिलाफ हमका पट्टी पढ़ाई थी। अच्छा अभी देखता तुम लोगों को। अरे अकबर तुझे शर्म नहीं आती है क्या, कभी मुझे मारता है कभी बच्चों को मारता है। एक मिनट एक मिनट, ये तोहफा मैं तुम्हें ईद पर देने की सोच रहा था। जिस दिन तोहफा मिले उसी दिन ईद और उसी दिन दिवाली। तू रोज देर से आकर मवाली। ए जॉनी भाई ये क्या कर रहे हो? अरे हुसैन भाई गलती से मिस्टेक हो गया। हमेशा गलती से मिस्टेक हो जाते हैं, कभी तो गलती से सही किया कर। अच्छी बात है। ठीक है ठीक है। अरे बजरंग दादा नहीं आए? अरे बजरंग दादा आ गए बेटा, बजरंग दादा आ गए। आ तो गए मगर हमेशा की तरह आज फिर लेट। चलो निकालो हमारी पेनल्टी। ले अपनी चॉकलेट। पुकारता है दादा और दादा से ही दादागिरी करता है, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमेशा आप हमेशा लेट आते रहेंगे और पेनल्टी में चॉकलेट निकालते रहेंगे। नहीं बेटा हुसैन, आज मेरा आखिरी दिन है, कल से मैं डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा हूँ। जनार्दन ये काम संभालेगा बेटा। आप कॉन्ट्रैक्ट जनार्दन को दे रहे हैं दादा? दादा आप अच्छी तरह जानते हैं जहाँ जहाँ उसके कॉन्ट्रैक्ट है वो और उसके साथी डब्बों की आड़ में गलत धंधे करते हैं। जरूर उस हरामजादे ने आप पर दबाव डाला होगा और मारने की धमकी भी जरूर दी होगी। मौत से अब कौन डरता है भाई, छत्ती कटती थी कट चुकी। फिर बात क्या है दादा बताइए। क्या बताऊँ बेटे, तुम सब लोग मेरे बच्चों की तरह हो, कौन बाप चाहेगा कि उसके बच्चों पर आफत आए। अच्छा उसने हमारी धमकी दी, हम मर जाएंगे मगर ऐसा नहीं होने देंगे। ओए, क्या बोला रे तू, तू क्या नहीं होने देगा? और तू जानता है मैं कौन हूं? जनार्दन। और जो मेरी गल नहीं सुनता है उसको मैं देता हूं धनादन। मत मारो इसे, मत मारो इसे।
ओए, तूने मेरा हाथ पकड़ा, तूने मेरा हाथ पकड़ा। ए, हमरे दादा को काहे मारा? ओए चूहे, तू शेर के सामने खड़ा हो गया है, तुझको डर नहीं लगता है? बूढ़े आदमी को मारे तो और खुद का शेर कहो तो हम का तो शिकारी कुत्ता लगा तो। मार डाला हमरे छोटे भाई का, मार डाला। तो जिंदा है भाई? अरे ये भी कोई जिला है रे छोटू, ना तेरे पैर जमीन पर ना सर आसमान पर, इतनी छोटी सी जान हवा में रेलवा से टकरा सकता था, जमीन से सर फट सकता था, मौत से हाथ मिला सकता था। अरे कितनी बार कहा है अपनी छोटी सी जान को संभाल कर रख, गली के कुत्तों से बचा कर रख, पर नहीं, किसी भी गधे से भिड़ जाता है। अरे गधा तो गधा ही है ना, उसका लात मारने की आदत है, मार दी लात। ओए, तू इस बच्चे को समझा रहा है, मैंनू गाली दे रहा है? अरे नहीं नहीं, तो एक गाली देकर खुद की जबान गंदी करनी है का? मगर कचरा साफ करे खातिर हाथ तो जरूर गंदा करना पड़ेगा ना। क्रियाकर्म करने वास्ते इसके बंदों से इसका नाम तो पूछ। अल्लाह अकबर 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 मेरे पीछे हवलदार लगा हुआ है, प्लीज संभालना यार। अरे पकड़ो। सलाम साहब। अरे चौदा भाई तू? हाँ। अरे तेरा तो एकदम हुलिया ही चंचल है रे। अपने मरद को यही पसंद है। अरे देवा। भैया वाली आवाज पन गेली। गेली। अरे तेरा मरद तो वही चना। अरे उसके जैसा मर्द आखी दुनिया में नहीं। अच्छा तेरे को गोविंदा सर की तो ठीक फर्स्ट क्लास। पन साहब तुम ही थे कैसे? ओ देवा रे देवा, वो चोर इधर भाग के आला साला, तू उसको देखा क्या? चोर? तिकड़े गला उधर गेले। हां अब भी पकड़ता साले को।
अरे वीरू चल बे बाहर निकल। गया? हाँ गया। थैंक यू फुलवा, थैंक यू। आज तो तूने मुझे बचा लिया यार। अरे कोई बात नहीं, चलता है। ये रहा तेरा इनाम। तू ही रख यार, अपुन इसका क्या करेगा, किसको पहनाएगा? अरे उसी को जिसको तू प्यार करती है। जिसको अपुन प्यार करता है? हाँ। जैसा तू पुलिस के हाथ नहीं लगता ना, वैसा वो भी साला अपुन के हाथ नहीं लगता यार। अच्छा हाँ। कौन है वो? वही चकबर। अकबर? और मुझे नहीं मालूम। साला अखी दुनिया को मालूम है और तुझे मालूम नहीं? अपुन गलत आदमी के प्यार के लफड़े में पड़ गया यार। अपने को लगता है अपनी अखी जवानी ऐसे ढल जाएगी। तू फिकर मत कर फुलवा, मैं उसे ढलने नहीं दूंगा। अरे फुलवा मेरा ये मतलब नहीं था यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू अपनी कहानी का डायरेक्टर मुझे बना ले और फिर देख अकबर तेरे कदमों में होगा। वो कैसे? सुन। अरे सुखिया चाचा, एक फर्स्ट क्लास दूधवा बनाई दो, बहुत थक गया आज। आज कुछ ज्यादा ही कसरत हुई गवा। अरे तबियत तो चौचक हुई गवा। अरे सुखिया चाचा नजर नहीं आते। अरे बुड्ढी क्यों? छोरा देखने गए हैं हमारे लिए। तू उनकी बिटिया है का? हाँ, फूलवती नाम है हमारा। का नाम पसंद नहीं आया के? बात नहीं, नाम कुछ जाना पहचाना सा लागत है। मन है देख के तो सब ये ही बोले हैं। दूध बनाई दो, मलाई भी डाल दूं? अरे बिना मलाई के दूध कैसा? दूध बा तो भांग का नशा है रे फूलवती। और मारे में तू तो बड़ी लसीली है रे, जो भी तुहार संग बिया करेगा ना नशे में रहेगा। तू करेगा मारे संग बिया? हाँ, थारा कसरती बदन बहुत पसंद है। मैं थने रोज नशीला दूध पिला पिला के थारी सारी थकान मिटा दूं। नहीं, अब तो और संग बिया नहीं कर सकत। अरे क्यों नहीं कर सकता? अपुन तेरे को पसंद नहीं क्या अकबर? हमका तो फुलवा ही फुलवा नजर आते है। ई तो हमार फोटवा लागत है रे। तोबर तोबा, ई का हुई गवा हमरे संग? कोई देख ले तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी अकबर। अरे बीरू, पता नहीं किसकी चाल है हमका बदनाम करने की। अरे बदनाम तू क्या होगा अकबर, तेरी इन छिछोरी हरकतों से बदनाम तो हम होंगे ना। तू हमका इतना घटिया समझत है बीरू? अरे समझने को बचा ही क्या है अभी। आरती बहना, तू तो हम पर यकीन करती है ना? कल तक करती थी। मेरे भाई, ई सब का हुई गवा तुम सबको? ये हम ना ही है, ये हमरा हम सकल है। हाँ हाँ, ये तोहार हम सकल है और ये फुलवा का हम सकल है ना। हमका जाने हो भी सकता है। बस अकबर बस, बहुत हो चुका है हम सकल का नाटक। कल दूध की दुकान पर तू ही गया था ना? दूध पिया था ना? दूध पीने के बाद फुलवा के साथ? नहीं। छी 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 अकबर, बेचारी की जिंदगी तो मिट्टी में मिल गई ना। कह रही थी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे कौन करेगा बेचारी के साथ शादी अकबर? बाप रे बाप, ये हमसे कहाँ हुई गवा? फुलवा कहाँ है? मैंने उसे चौपाटी की तरफ जाते हुए देखा। हाँ? है जरूर भेलपुरी खाने गई होगी। अबे चुप, इन हालात में कभी कोई भेलपुरी खाने जाता है क्या? मुझे तो लगता है कि वो सुसाइड। नहीं फुलवा, हम आते हैं। फुलवा, अपुन के पास टाइम नहीं है, हाथ जल्दी चलाए। अच्छा तू अब तक जिंदा है? अरे हमने समझा तू समुंदर का आधा पानी पी चुकी होगी अब तक। अरे जल देवता ने स्वीकार नहीं किया का जो इन नौटंकी करत हो? हाँ, इसी बदमाश और बेशरम छोकरिया को स्वीकार करेगा भी कौन? अरे मोहब्बत करने वालों का जीने का भी स्टाइल होता है और मरने का भी।
आप उन स्टाइल में मरेगा क्या? फुलवा ये क्या कर रही हो तुम? अकबर भाई रोको इसे। अरे ये क्या रोकेगा हुसैन, इसको तो सिर्फ दूसरों की इज्जत से खेलना आता है। अरे बीरू तुम सब बड़े भोले हो, इसकी चाल नहीं समझ सकते, लेकिन हम समझ गए। कल सुकिया चाचा की बेटी बनकर हमरे दूध में नशा मिलाई रही और फिर हमका ब्लैकमेल करने के खातिर किसी लुच्चे फोटोग्राफर के संग हमरी गंदी गंदी फोटो लिए। अरे ओ सुसरी बोला सच का है? हाँ ये सच है, और ये भी सच है कि कल इसने मेरी इज्जत लूट ली। मेरू हुसैन मैं जा रही हूँ, अलविदा भाभी। अरे रुको हुसैन, ई ससुरी तुम लोगन को नरक से भी सताएगी। अरे भैया ईटा जरा मजबूती से लगाई दो, कहीं सांस लेने की जगह ना रह जाए। अच्छा अकबर अपना ख्याल रखना, अपुन तो तेरे लायक नहीं था ना, लेकिन अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी जरूर कर लेना। हाँ हाँ तू फिकर काहे करत हो, तुम्हारा आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देंगे। अरे चलो लोगों तमाशा खत्म हुआ। मैं तो शर्म आनी चाहिए, बेचारी ने मोहब्बत में जान दे दी और इसका दिल नहीं पिघला। अरे चुप अकबर, हम ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन तुम्हारा ये रूप हमारे सामने आएगा। अब हम दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अरे काहे नहीं रह सकत, छत से पानी टपकता है का? भैया तुम खूनी हो। हाँ हाँ तुम हत्यारे हो। अरे हमें काहे खूनी हत्यारा बनावत हो? अरे ऊ चुड़ैल तो हमार पीछा नहीं छोड़ेगी, अभी प्रकट हो जाएगी। बंद दीवार माँ आदमी एक मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकत। अब उन तो एक घंटे का इंतजाम करके आज छाने। भैया एक मिनट हुई गवा। एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया अकबर, एक मिनट हो गया। की बार तो आप उनके साथ डायरेक्टर है। अब तक तो बेचारी बेहोश हो चुकी होगी। भैया दो ही मिनट हो गया। दो मिनट हो गया अकबर, दो मिनट हो गया। कुछ कर अकबर कुछ कर। अंदर से तो हंसने की आवाज आवत है। नहीं अकबर नहीं, ये हंसने की नहीं, ये तो दम घुटने की आवाज है अकबर। हाँ। अब तक इसके प्यार को हम मजाक समझ रहे थे, मगर ये सचमुच हमका प्यार करता है। ओ फुलवा नहीं, 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 अब तो तुझे इसकी लाश तक चुने का हक नहीं अकबर। तू हट जा बिरू। नहीं अकबर नहीं, हम ना तो हट जा, हम आ गए फुलवा। फुलवा फुलवा आंखें खोलो फुलवा, अगर तुम्हें तो कुछ हो गया ना हम जी नहीं सकेंगे। सच फुलवा फुलवा। अरे यार इतनी मोहब्बत अगर मैंने किसी परी से भी की होती ना तो वो भी मुझसे शादी करके स्वर्ग ले जाती हनीमून मनाने। तो मनाओ ना हनीमून स्वर्ग में, रोका किसने है तुम्हें? दिल ने, और ये दिल मजबूर है। वो कहावत है ना, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। क्या तुमने मुझे गधी कहा? मुझे यो 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 अभी बताती तुझे। क्या कह दिया भाग। देखा अनीता, आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया ना। आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। आई ये पट्टा तो इसी के चक्कर में लगता है। अरे गुरु अपनी जात बिरादरी में रहो ना, मेरा खाना क्यों खराब कर रहे हो यार। अरे सांड भाई तुम तो सीरियस हो गए यार, मुझ जैसे हैंडसम से नहीं पट रही है, तुम्हारे सींगों पर मर मिटेगी क्या? अब तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा था, मगर लगता है तू प्यार की भाषा नहीं जानता। अंधे लाचार को कुछ दे दे माई। ये लो बाबा,
नाम अकबर है मेरा, सब पे नजर दक्षिण पे। अरे ओ ससुरे, अंधा हुआ है का? वाह अकबर भैया, अपने पे तो नजर रख नहीं सकते, दूसरों पे कहाँ नजर रखोगे? लगता है उस ससुरा तो हम पर नजर रखा हुआ था। अरे ये भीड़ कैसी? चलो देखो। अरे ये का हुआ? खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो खुदा की कसम मैं ये तलवार उसके सीने में भोंक दूंगी। तुम लोग इन काफिरों को बचा रहे हो? कौन है काफिर? खुदा के ये मासूम बच्चे या ये बेवा औरत जो कल तक तुम में से किसी की बहन थी, किसी की भाभी थी, किसी की चाची थी और किसी की मौसी। और मियां, आज तुम्हारे जिस हाथ में तलवार है कल उसी कलाई में राखी बनवाई थी ना। अरे उस बादशाह हुमायूं के पास रानी कर्मावती ने सिर्फ राखी भिजवाई थी और वो अपनी पूरी फौज लेकर उसकी हिफाजत करने के लिए आ गया था। फौज लेकर तो तुम लोग भी आए हो लेकिन इसकी हिफाजत करने के लिए नहीं, इसकी जान लेने के लिए। जमाल मियां, यकीन नहीं आता कि तुम्हारा खून कैसे सफेद हो गया। तुम्हारी बीवी जब 6 दिन के आसिफ को छोड़कर गुजर गई थी तो उसको अपनी छाती का दूध पिलाकर जिंदा रखने वाली यही औरत थी। अब्दुल मियां, तुम इसी बच्चे को अपने कंधे पर बैठा कर कल तक चॉकलेट दिलवाने ले जाते थे ना। भोग दो इसके पेट में तलवार और निकाल लो अपनी सारी वो चॉकलेट जो तुमने इसको दिलवाई थी। अरे भोग दो, निकाल लो। अबे चाचा, अपनी चॉकलेट ले लो, मेरी माँ को छोड़ दो। मीरू, हमरे अम्मी अबू नहीं रहे। मत रो बेटा, मत रो। अकबर भाई, मेरे बच्चे बीरू और हुसैन कहाँ हैं? कहाँ? भाई, भाई, बीरू, भाई, 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 तुम भाइयों को मिलाकर कहाँ चली गई थी भाई? अरे माई, हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा माई। माई, हुसैन, माई, माई, और वो छोटी सी बच्ची कहाँ है? माई, वो छोटी बच्ची नहीं रही। हमका तो छोड़ो, अकबर भैया और वीरू भैया के भी कान खींचे थे। अच्छा। माई, हाजी बाबा कहाँ है? मैं उन्हीं को देखने आई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो अस्पताल में भर्ती है। कहा? डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट में पेट पर इतना गहरा जख्म कैसे लग सकता है? ये अटैक भी तो हो सकता है। मेजर बलवान, एक्सीडेंट और हमले की चोट में फर्क होता है और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनका एक्सीडेंट ही हुआ है। ये यहां क्या कर रहा है? बोल गोगा भाई, ये खुशखबरी, हाजी की फाइल का पता चल गया है। That's good। वो फाइल हम सब के लिए बारूद बन सकती थी, इसकी चिंगारियों से चीफ मिनिस्टर की धज्जियां तोड़ सकती हैं, साथ साथ हमारी प्लानिंग की भी। वो फाइल है कहां? मेजर बलवंत के पास। बा मेजर बलवंत के पास?
फिर देर किस बात की है? भाई उसके बंगले पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, किसी भी आदमी के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। छोटे, ये काम आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है, तेरे जैसे छलावा के लिए नहीं, जो कोई भी रूप धर सकता है। और फिर तुम मेरा भाई है, समझ लो भाई। फाइल हाथ में आई। You're absolutely fine, Mr. Mahadev. हिंदुस्तान से क्या खबर लाए हो महादेव? जगराज, तुम्हारे लिए बहुत ही खास खबर लाया हूँ। हिंदुस्तान में सरकार अगले महीने की 20 और 21 तारीख को कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रही है। तारीखें तो कई बार तय हो चुकी है, लेकिन कश्मीर में इलेक्शन करवाने की हिम्मत हिंदुस्तानी गवर्नमेंट में नहीं। लेकिन इस बार सरकार ने ठान लिया, वहाँ के लोग आतंकवाद से उब चुके हैं। वहाँ के लोग वही करेंगे जो हम चाहेंगे, क्योंकि पूरे कश्मीर में हमारे आदमियों ने अपना जाल फैला रखा है। ठीक है, इलेक्शन से पहले वो लोग वहां तबाही मचा देंगे। किसी की जरूरत भी नहीं होगी कि अपने घर से बाहर भी निकल सके। ये क्या है? हमारी सरकार का प्लान जनरल वाली, इस बार हमारी सरकार ने पक्का फैसला कर लिया है कि कश्मीर में हालात चाहे कुछ भी हो, इलेक्शन जरूर होंगे। मिलिट्री की तरफ से इस सिलसिले में क्या तैयारी है? सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहां के ऐसे तमाम लोगों की खुफिया रिपोर्ट तैयार कर ली है जिन पर आतंकवादी होने का या उनका मददगार होने का जरा भी शक है। ये रही रिपोर्ट। लेकिन अब तक इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सर, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन से ठीक एक रात पहले, ताकि दुश्मन को कोई और साजिश रचाने का मौका ही ना मिले। लगता है इस बार हम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल होंगे। यस। शाबाश महादेव, मैं जितना समझता था तू तो उससे भी ज्यादा शातिर निकला। ये तूने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो सब ठीक है जगराज, लेकिन मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है। जो फाइल मेरे खिलाफ तैयार की गई है वो मुझे अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मजबूरन मुझे हाजी को जिंदा रखना पड़ रहा है। तू फिक्र मत कर, वो फाइल तुझे मिल जाएगी।